Good morning, student of fifth class. Now we are going to discuss about chapter fifth of your mathematics, both text and workbook on standard fifth. Name of the chapter: Does it look the same? Does it look the same? देखो students, उसके बाद में एक interrogative mark. ओके मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डज इट लुक द सेम. ये बोथ सेम टू सेम है और डिफरेंट है. ओके इसकी मीनिंग से पता चलता है कि कोई भी पिक्चर की अगर हम कोई भी जगह से डॉटेड करेंगे तो क्या होता है, दो साइड जो डिवाइड हो जाता है वो दो साइड सेम टू सेम दिख रहा है या नॉट सेम टू सेम, डिफरेंट, ऐसे हमको बताना है. जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. देखो अगर ये सर्कल है, अगर बीच में से आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, ये डॉटेड लाइन की बोथ साइड क्या दिख रहा है, सेम या डिफरेंट? सेम दिख रहा है. देखो इधर भी जैसे दिख रहा है इधर भी सेम टू सेम दिख रहा है. अगर ये सर्कल नहीं होकर ट्राइंगल होता और ट्रायंगल की आप डॉटेड लाइन कहां से कहां ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे ड्रॉ कर रहे हो देखो, तो ये जो बोथ साइड आपको दिखाई दे रहा है ये कि सेम टू सेम दिखाई दे रहा है या डिफरेंट? स्टूडेंट ये डिफरेंट नजर में आ रहा है ना. तो देखो ऐसे ही हमको पहचानना है को कौन सी साइड सेम है कौन सी साइड डिफरेंट है. ओके सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट. हमने इस टॉपिक में ये जो सेम हमने जो बताया कि सेम सेम मतलब समान, दो साइड इक्वल्स. ओके सो इसको और भी नाम से जाना जाता है सिमेट्री. ओके देखो ये मैंने लिखा सिमेट्री, दो साइड सेम है तो हम बोल सकते हैं कि सिमेट्री है, दो साइड सिमेट्री है. ओके तो सेम और सिमेट्री Both words are the same meanings. Okay? So students, same or symmetry, what refer to same or symmetry? Same or symmetry refers to the exact match in shape and size between two halves of an object. Okay? कोई भी object हो इसका शेप एंड साइज बिल्कुल एक ही होना चाहिए, तो उसी को दो साइड में, जैसे हम कोई भी शेप को डिवाइड करेंगे बोथ साइड सेम टू सेम आना चाहिए, तो हम उसी को बोल सकते हैं कि ये सिमेट्री है, सेम है, बोथ साइड लुक लाइक सेम. ओके स्टूडेंट्स तो हम एक एक्टिविटीज के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है. ओके जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में है एक कॉन्सेप्ट, जैसे इसको इस एक्टिविटी करने के लिए आपको एक क्या लेना है, ब्लैंक पेपर लेना है स्टूडेंट्स. ओके उसके बाद में ये ब्लैंक पेपर को आप फोल्ड करोगे, देखो बीच में से फोल्ड कर दिया. ओके इस बीच में से फोल्ड करने के बाद में आप इसको ओपन करोगे और ओपन करने के बाद में इसके बीच में इंक डालोगे, जैसे मैं इंक डाल दिया. ओके इंक डालने के बाद में स्टूडेंट्स देखो मैंने इंक डाला और इंक डालने के बाद में ऐसे जोर से चिपकाया इसको. ओके चिपकाने के बाद में हमारी रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट्स, देखो अभी क्या आया इंक डालने के बाद में, देखो लो ये आ गया, देखो ये इंक डाल दिया, देखो इंक हो गया पूरा. अगर जब हम इसको खोलेंगे, देखो अभी खोल रहा हूं इसको, ओके ये खोल दिया, देखो खोलने के बाद में स्टूडेंट्स अच्छा से देख लो, ये मैंने अभी खोला, खोलने के बाद में देखो दो साइड देखो सेम टू सेम दिख रहा है. ओके देखो आपको ये एक रैट की तरह लग रहा है, माउस की तरह लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली माउस नहीं है. इस प्रोसेस में जब हम पेज को फोल्ड करके इंक डाल के वापस प्रेसर क्रिएट करके वापस खोला तो ऐसे नजर में आएगा. ओके आप भी कर सकते हो घर पे, दूसरे आपके दूसरे और भी कुछ सेप हो सकता है,
सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बोथ आर सेम टू सेम दिख रहे हैं। एक बिंदी आ गया जो मिस्टेक से आ गया, इसके अलावा बाकी दो साइड में ये जो आपको फोल्ड दिख रहा है, इस फोल्ड की दो साइड में सेम टू सेम है। ओके, अगर हम लाइन इधर से एक लाइन खींच लेंगे, जैसे देखो मैं लाइन खींच लेता हूं, देखो अभी क्या किया हमने, एक बीच में से लाइन कर दिया, तो ये लाइन पूरा इधर तक आ गया। और हमने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या किया, दो साइड आर सेम टू सेम, इस साइड में भी जो है इस साइड में सेम टू सेम, इस साइड में जो है ये भी सेम टू सेम, इस साइड में जो है ये भी सेम टू सेम। ये गलती से आ गया, ये बिंदी है, बाकी सेम टू सेम है। तो बोथ हाफ आर द सिमेट्री ऑफ बोथ, सिमेट्री ऑफ दिस, ओके, सेम टू सेम है। तो आपको अगर क्वेश्चन करेंगे डज इट्स लुक लाइक सेम, आप क्या बोलोगे, यस इट्स बोथ साइड्स बोथ हाफ आर लुक लाइक सेम। सो स्टूडेंट्स, ये आप आगे आपके सेम, दिस चैप्टर में आपको बोला गया है कि सिमेट्री क्या होता है, सेम क्या होता है। सेम और सिमेट्री रिफर्स टू द एग्जैक्ट मैच इन शेप एंड साइज बिटवीन टू हाफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू हाफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस बोथ साइड अगर टू हाफ्स इक्वल्स होगा तो हम बता सकते हैं कि ये सेम है और सिमेट्री है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपको पता चलेगा कि क्या सेम है क्या सिमेट्री है। ये जस्ट आपके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि वो आपको कोई भी शेप को सिमेट्री बताना है या फिर सिमेट्री करना है तो कौन सी जगह से आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी तो ये सेम टू सेम दिखेगा, बोथ साइड बोथ हाफ। जैसे मैं इसके बीच में से एक लाइन खींचा तो बोथ साइड सेम दिख रहा है, अगर आप इस बीच में से लाइन खींचोगे बोथ साइड सेम नहीं दिख रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं तभी कि बोथ साइड नॉट सेम, नॉट सिमेट्री बोथ साइड, बट अगर इस साइड से आप लाइन खींचोगे तो बोथ साइड आर सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको फाइंड करना है कोई भी ऑब्जेक्ट में जो कौन सी जगह से आप लाइन खींचोगे तो बोथ साइड आपको लुक्स लाइक सेम, सेम दिखेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक पता चला कि कैसे आप फाइंड करोगे सेम सिमेट्री, ये सब कैसे आप फाइंड करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, देखो आज को आपको थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं बोर्ड पर। देखो जैसे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उस एक्सिस के बराबर दो साइड में अगर सेम होगा तो वो कहता है कि सिमेट्री। जैसे हम पहले कुछ शेप ले लेते हैं, देखो फर्स्ट हम ले लेते हैं ट्राइंगल, आफ्टर स्क्वायर, आफ्टर रेक्टेंगल, ओके, आफ्टर हेक्सागोन, ओके, ये चार हम शेप अभी लिया। और एक ले लेते हैं सर्कल, ओके, ये पांच शेप में से हम आपको दिखाएंगे कि सिमेट्री क्या होता है। अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करके सिमेट्री मिलना चाहते हैं, सेम बोथ साइड सेम होना चाहते हैं, तो लाइन एग्जैक्टली कहां से ड्रॉ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और कहां से ड्रॉ करोगे तो सिमेट्री मिलता है और कहां से ड्रॉ करोगे तो सिमेट्री नहीं मिलता है, सेम नहीं मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट लेट्स डू, देखो अगर इस ट्राइंगल की दो साइड में हम सिमेट्री और सेम मिलना है तो क्या करना चाहिए, बोथ साइड में ऐसी जगह से ड्रॉ करना चाहिए लाइन, डॉटेड लाइन, तो बोथ साइड सेम टू सेम शेप और साइज दिखना चाहिए। देखो जैसे हम अगर इस लाइन से ड्रॉ करेंगे एक सीधा लाइन,
ऐसे ड्रॉ कर लिया, ओके, तो क्या दिखेगा, बोथ साइड सेम दिख रहा है, ओके, मतलब इधर भी जितना साइड है इधर भी सेम टू सेम साइड है। अगर आप इधर एक मिरर रख के देखोगे, सपोज ऐसी टाइप एक मिरर होता है जो आप इधर रखोगे ना, तो इसका पिक्चर इधर भी देखेगा सेम टू सेम, अंडरस्टैंड। तो मान लो ये मिरर है, मिरर अगर इसके बीच में रखोगे तो बोथ साइड सेम दिखते हैं, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर की कौन सी जगह से आप लाइन खींचोगे तो ये स्क्वायर भी सेम टू सेम दिखेगा। देखो स्क्वायर की इस साइड से आपको ड्रॉ करना चाहिए, बोथ साइड सेम दिख रहा है, इसकी भी बोथ साइड सेम दिख रहा है, ये रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल की कौन सी साइड से आप ड्रॉ करोगे लाइन तो दो साइड सेम दिखेगा। देखो आप इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो तो ये सेम दिखता है, अगर आप मान लो इधर से ड्रॉ नहीं कर चाहते हैं तो और भी वे है रेक्टेंगल की, जैसे आप इधर से ऐसे डॉटेड लाइन करो तो बोथ साइड आर सेम टू सेम दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इसके लिए क्या करना है आपको, बीच में से एक ड्रॉ कर लो इसकी तो बोथ साइड आपको सेम दिखेगा। ओके अगर इसका और भी वे है, जैसे देखो ये हेक्सागोन, ये हेक्सागोन की अगर आप इस साइड से ड्रॉ करना चाहते हो तो बोथ साइड सेम दिखता है, हाँ? ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बोथ साइड सेम दिखता है, अंडरस्टैंड। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, डॉटेड लाइन यही रिप्रेजेंट करता है कि ये एक मिरर है, ये क्या है, एक मिरर है। मिरर अगर आप ऐसे रखोगे तो दूसरे साइड मिरर की पिक्चर ऐसे ही दिखेगा, अंडरस्टैंड। कोई भी पिक्चर के ऊपर आप मिरर रखोगे तो बोथ साइड सेम दिखेगा। ओके एंड नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट शेप, सॉरी सर्कल। अगर सर्कल की बीच में से ऐसे लाइन खींचोगे तो सर्कल की बोथ साइड क्या देखता है स्टूडेंट, बोथ साइड सेम टू सेम दिखते हैं, यानी आपको मिल जाता है बोथ साइड का, आपको क्या मिल जाता है, सेम टू सेम, ओके, सिमेट्री से मिल जाता है। ओके जहां से आप लाइन खींचोगे दो साइड सेम टू सेम दिखता है तो बोथ आर कॉल्ड सिमेट्री एज सेम, ओके, टू ईच अदर। देखो स्टूडेंट अभी हम दिखाएंगे इसी पिक्चर में कौन सी जगह से आप लाइन खींचोगे वो सेम नहीं दिखेगा। ओके ऐसी कौन सी जगह से आप लाइन खींचोगे जो दो साइड सेम नहीं दिखेगा, पहले हम इरेज कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो पहले ये ट्रायंगल में आ जाए, ट्रायंगल में हम ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे जो बोथ साइड सेम टू सेम नहीं दिखेगा। बहुत सारे वेज हैं, जैसे आप ऐसे लाइन खींच दो बोथ साइड सेम नहीं दिख रहा है, ओके, बोथ साइड नॉट सेम। अगर आप ऐसे लाइन खींचो बोथ साइड नॉट सेम, इस साइड और इस साइड सेम नहीं दिखता है। अगर आप ऐसे लाइन खींच दो बोथ साइड सेम नहीं दिखता है, सो स्टूडेंट्स हम कहते हैं, कह रहा है कि ये बोथ साइड सेम नहीं दिख रहा है तो ये प्रोसेस सही नहीं है। ओके दूसरे है, देखो अगर आप इसी पिक्चर में ऐसे लाइन खींच दो तो बोथ साइड सेम नहीं दिख रहा है, ओके, और इसी पिक्चर में आप ऐसे लाइन खींच दो तो बोथ साइड सेम नहीं दिख रहा है, इसी पिक्चर में आप ऐसे लाइन खींच दो तो बोथ सेम नहीं दिख रहा है, ओके, ऐसे वो ये में भी ऐसे लाइन खींच दो तो बोथ साइड सेम नहीं दिख रहा है, ऐसे भी लाइन खींच दो ऐसे तो बोथ साइड सेम नहीं दिख रहा है, इसी पिक्चर में ऐसे लाइन खींच दो तो बोथ साइड सेम नहीं दिख रहा है, ओके, ऐसे भी हाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बोथ साइड सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो,
कि बोथ साइड सेम दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ओके ऐसे भी देखो, अगर इसी रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ करोगे तो बोथ साइड सेम नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये छोटा है बड़ा हो गया तो बोथ साइड और सेम शेप सेम साइज और साइज और शेप नहीं सेम टू सेम नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं बोथ हाफ्स आर नॉट सेम। ओके ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि बोथ साइड आर सेम और नॉट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, थैंक यू।